3। तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा, एक रिमोट का इस्तेमाल करके मैंने क्रैकर को ब्लास्ट किया। मतलब उसी तरह आप मेरे सामने देख सकते हो, सुतली बॉम्ब्स है, उसके साथ अनार है, लक्ष्मी बॉम्ब्स है, रॉकेट्स है, स्काई शॉट्स है। इन सभी को आज की इस वीडियो में मैं जलाने वाला हूँ इस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके। वीडियो जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होगा। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो में जैसे आप लोगों ने देखा, रिमोट का इस्तेमाल करके मैंने एक सुतली बॉम्ब को ब्लास्ट किया। अभी जो है गाइस एक साथ इसी रिमोट का इस्तेमाल करके मैं 3 सुतली बॉम्ब्स को एट ए टाइम जलाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। 3 सुतली बॉम्ब्स को वहाँ पे कनेक्ट किया, अभी हम एक रिमोट को प्रेस करते ही वो जो है गाइस ब्लास्ट हो जाएगा। 1, 2, 3। यही पे आप लोग देख सकते हो गाइस, हमारा सिस्टम का जो फायर होने वाला बेस है वो यहाँ पे है। हर वायर के पीछे जो है गाइस एक स्प्रिंग आप लोगों को नजर आ रहा होगा, उसी स्प्रिंग में हम लोग क्रैकर्स को रखते हैं। उसके बाद जैसे ही ये स्प्रिंग गर्म होता है, हमारा क्रैकर जो है गाइस वो फट जाता है। ये सारे वायर्स जो है गाइस ये जाके कनेक्ट होता है इस ब्रेन में। हमारा पूरा सेटअप का जो मेन पार्ट है गाइस वो ये है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम सिंपली इस रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। इस रिमोट को हम दबाते ही ये जो है गाइस एक्टिवेट होगा। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसको प्रेस करते ही इसके अंदर रेड लाइट जो है गाइस वो आता रहेगा। और इसको चाहिए होगा पावर। पावर के लिए हम लोगों ने इस गड्ढे के अंदर एक कार बैटरी को जो है गाइस हमने रखा है। 24 वोल्ट का बैटरी है और इससे हमारे सिस्टम को पावर आता है। इस पावर को हम एक्टिवेट करने के लिए यूज़ करेंगे ये रिमोट कंट्रोल को। रिमोट कंट्रोल को दबाते ही एंड में जो स्प्रिंग्स है गाइस वो गर्म होगा, उसके अंदर हम जो भी क्रैकर को रखेंगे वो ठग से ब्लास्ट हो जाएगा। अभी अंधेरा होने तक का वेट करते हैं, उसके बाद एक 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 करके हम फ्लावर पॉट क्रैकर्स को, स्काई शॉट्स को, सबको जलाते हैं और देखते हैं कैसे रहता है करके। गाइस हमारा कंप्लीट सेटअप जो है यहाँ पे सेट हो गया है। वहाँ पे 3 रॉकेट्स हैं, उनको मैं ब्लास्ट कर रहा हूँ अभी। 1, 2, 3। तीनों रॉकेट जो है एक के बाद एक अपने टाइम में ब्लास्ट होकर फायर हो गया। उसके पास कोई भी नहीं गया जलाने के लिए, मैं बगल में बैठ के उसको जलाया, लेकिन रिमोट का इस्तेमाल करके जलाया मैंने। तो देखा आप लोगों ने कितना बढ़िया जो है गाइस ये काम करता है। 3 फ्लावर पॉट क्रैकर्स को मैंने सिस्टम के साथ लगा दिया, अभी इनको जलाते हैं और देखते हैं तीनों जलता है या नहीं जलता है करके। 1, 2, 3। हम इस रिमोट का इस्तेमाल करके फ्लावर पॉट क्रैकर्स को जलाया और सुतली बॉम्ब्स को जलाया, रॉकेट्स को भी जलाया, सभी क्रैकर्स को जो है गाइस ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फायर किया है। अभी लास्ट में हम ट्राई करेंगे स्काई शॉट को और देखते हैं वो भी ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा करके। तीनों स्काई शॉट्स को यहाँ पे हमने सेट किया, अभी तीनों को एक साथ ब्लास्ट करते हैं और देखते हैं ये तीनों एक साथ ब्लास्ट होता है या नहीं होता है, क्या होता है करके। 1, 2, 3।
सो फाइनली गाइस हमारे तीनों के तीनों स्काई शॉट्स जो है ये रिमोट के मदद से ब्लास्ट हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तीनों जो है गाइस जल गया, एक भी फेल नहीं हुआ। मतलब ये रिमोट के साथ क्रैकर्स को जलाने का सिस्टम जो है गाइस वो परफेक्टली काम किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट मिलता है तो जल्दी ही इसको कैसे बनाया क्या है करके मैं सब कुछ वीडियो के रूप में मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। जल्दी ही गाइस कुछ नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।